देखा है चर्चा की संयुक्त राष्ट्र संघ का सामाजिक परिचय, उसका विकास क्रम और उद्देश्य। आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों यूएनओ के प्रमुख अंगों के संबंध में। जैसा कि मैंने पूर्व बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के छह प्रमुख अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठवां सचिवालय। दोस्तों महासभा के बारे में हम चर्चा निश्चित रूप से करते हैं। जैसा कि महासभा के सदस्य संख्या वर्तमान में 193 है। विश्व के जितने सदस्य संख्या यूएनओ के हैं, सभी सदस्य महासभा के भी सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र को अपने देश से 5 सदस्य भेजने की स्वीकृति है, लेकिन मतदान केवल 1 सदस्य भाग ले सकता है। अर्थात वर्तमान में यूएनओ की सदस्य संख्या 193 है। एक राष्ट्र एक मत, चाहे राष्ट्र बड़ा हो छोटा हो, सभी का समान महत्व है महासभा में, और इसकी सदस्य संख्या है 193। दोस्तों महासभा का प्रतिवर्ष सम्मेलन सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है और लगभग 1.5 से 3 महीने दिसंबर तक के सम्मेलन चलता है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष महासभा का 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुनाया जाता है और महासभा को संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक संसद की संज्ञा दी गई है। दोस्तों महासभा के अध्यक्ष के रूप में अगर हम बात करें तो भारत का भी अद्वितीय योगदान रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित 1953 में महासभा की अध्यक्ष पद पर कार्य किया। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। अगर दोस्तों हम सामान्य कार्य की बात करें और महासभा सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है, सचिवालय में जो महासचिव होता है उसका चुनाव, आर्थिक सामाजिक परिषद के नए सदस्यों का चुनाव तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति संबंधी व बजट निर्माण संबंधी कार्य भी महासभा द्वारा किया जाता है। दोस्तों लेकिन आज की महासभा एक कमजोर अंग के रूप में परिभाषित किया गया है। सच्चाई यही है कि महासभा की तुलना में सुरक्षा परिषद को ज्यादा अधिकार और शक्तियां प्राप्त है। अगर महासभा में सुधार हेतु सुझाव की बात करें तो दोस्तों इसमें कुछ सुझाव आज सुधार की जरूरत है। जैसे सुरक्षा परिषद को महासभा के अंतर्गत उसके प्रति उत्तरदायी बनाना चाहिए, अर्थात सुरक्षा परिषद को महासभा के प्रति उत्तरदायी बनाना चाहिए। दूसरा सुझाव महत्वपूर्ण ये है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के संबंध भी स्पष्ट होने चाहिए महासभा के संबंध में। तीसरा सुधार है यूएनओ के जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं उनको महासभा के अंतर्गत, इसके अंदर विभिन्न एजेंसियां भी हो सकती है, महासभा के अंतर्गत उसके अधीन लाना चाहिए। इसके लिए सराहनीय कार्य 2006 में यूएन विमेन मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 को, अर्थात दोस्तों मानवाधिकार परिषद जिसकी सदस्य संख्या 43 है महासभा के अधीन किया गया। कब? 2006 में। इसी के अंतर्गत 2011 में यूएन विमेन असेंबली उसको भी महासभा के अधीन किया गया, जो वास्तव में एक सराहनीय और अभिनव प्रयास रहा है। इसलिए दोस्तों इसी के अंतर्गत विभिन्न शक्ति महासभा को शक्तिशाली बनाने के लिए एक प्रयास शुरू भी किया गया 3 सितंबर 1950। इसको कहते हैं शांति के लिए एकता प्रस्ताव। इसके माध्यम से महासभा को किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत शांति सेना भेजने का अधिकार मिला। अर्थात अगर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य विड्रो पावर भी कर देते हैं और महासभा को लगे कि वास्तव में वहां पर शांति स्थापना के लिए सेना भेजना जरूरी है, तो इस शक्ति के माध्यम से दक्षिण कोरिया युद्ध के समय ऐसा ये शांति के लिए एकता प्रस्ताव वरदान साबित हुआ। इसी के अंतर्गत हम दोस्तों अगले अंक के रूप में चर्चा करेंगे सुरक्षा परिषद।